तो थोड़े दिन पहले जब मैंने स्किटल्स की फ्रोजन जेली बनाई थी, वो तो ठीक से बनी भी नहीं थी और सब गंदा गंदा चिपचिपा चिपचिपा सा फैल गया था। फिर आप लोगों के कमेंट्स भी देखी दीदी, आप ग्लूकोज सिरप की जगह कॉर्न सिरप यूज़ करो और बोतल ऐसी लो जिसका मुंह थोड़ा बड़ा हो। तो आज हम ऐसा ही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चिपचिपा नहीं फैले, गंदा नहीं फैले। तो हम ऐसा ही कर रहे हैं, बोतल में हमने स्किटल्स डाली, कॉर्न सिरप डाली और इसको बोतल को बंद करके ना इसको उल्टा करके फ्रीज़ करेंगे, जिससे इजी हो जाएगा निकालना। ठीक है, फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। इसके बाद जब इसको निकालने के लिए इसको प्रेस करेंगे ना, तो मेरे को लगा था बहुत इजी सा रहेगा, जल्दी से प्रेस हो जाएगी। अबे निकल, प्रेशर लगता है इसको निकालने में, पर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का। बहुत मज़ेदार है।